सुहाना, कहाँ हो तुम? सुहाना, सुहाना, दिल्ली के करीब गाजियाबाद अपने आप में एक छोटा सा शहर है। यहाँ एक मामूली से दिखने वाले घर में एक आम लड़की सुहाना के साथ ये घटना घटी। एक मासूम सी अच्छी सी जिंदगी इतनी जल्दी इस कदर बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता था। कितना मजा आ रहा है। मैं तुमसे ज्यादा तेज चलाऊंगा। हाँ सच में, चल हट, अब मेरी बारी है। नहीं नहीं उतरूंगी। उतरती है कि मैं तुझे उतारू? ये तू खड़ी रहकर मुझे देखती रहे। नजर है ना? कैसा लगा? अच्छे से बात तो मानती नहीं है, इसी के लायक ही है तू। ये क्या हो रहा है? ये अपने आप झूल रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है ये? उस वक्त सुहाना को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जिन उसकी जिंदगी के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। सुहाना को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर होने वाले थे। चलो घर जाओ। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी लेट हो गया। चलो भागो ऐसे करो, चलो भागो, भागो ऐसे करो, चलो भागो भागो भागो। जिन पर सुहाना का जुनून सवार हो चुका था, अब वो साए की तरह उसके साथ जुड़ गया था, जिसकी वजह से सुहाना को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। आने वाले वक्त में जिन ने सुहाना की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। इस वजह से हमें सुहाना की तालीम बीच में ही रोकनी पड़ी। हर वालिद की तरह मुझे भी उसकी काफी फिक्र रहती थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने देखा वो अपने कमरे में अकेले अपने आप से खुद ही बात कर रही थी। बला से निजात पाने के लिए हमने फैसला किया कि हम दरगाह में पीर बाबा के पास चले जाए।
ये मामूली जिन्नात नहीं है, खुद इबलिस का साया है। इसको उतारने के लिए बच्ची को तकलीफ होगी। ये ताबीज इस बच्ची के गले में हमेशा रहने देना, जिन्नात के खिलाफ काम आएगा। पर ध्यान रहे, ये ताबीज इसके गले से निकलना नहीं चाहिए, वरना इसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी बाबा। जिस तरीके से हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसी तरीके से उनमें भी जिन जिन्नात में पैदा होता है वो भी मरते हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे होते हैं, तो उनमें भी अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं। शकील साहब, बहुत उलझन वाली जिंदगी गुजार रहा हूं फिलहाल मैं। अगर सुहाना के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। सिद्दीकी साहब, मैं आपकी उलझन समझ सकता हूं, पर जो सुहाना के साथ गुजरी है उससे सब वाकिफ है। समझता हूं शकील साहब, लेकिन एक बार लड़की की उम्र निकल जाती है ना तो अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। आपा, नहीं करनी मुझे ये शादी, कल मेरा एग्जाम है। चुप कर, शादी नहीं करने की बच्ची, जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे दूल्हे को मिलके आती हूँ। तो इम्तियाज भाई, दोनों खानदानों में बात तो हो ही चुकी है, लेकिन आज का जमाना नया है, आप मिलना चाहेंगे इनकी रूही से? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाके मिल ले, कल से उसके इम्तिहान भी तो है। इम्तिहान? किस चीज का इम्तिहान? जी, हमारी रूही 10th का एग्जाम दे रही है इस साल। 10th का एग्जाम? जी। मतलब उम्र क्या है उसकी? 15-16। ये क्या मजाक है अम्मी, अभी लड़की बालिग भी नहीं है और आप लोग उसकी शादी करवा रहे हैं। क्या यही है वो जो 10th के इम्तिहान दे रही है? नहीं बेटे, ये तो सुहाना है। देखिए, मैं रूही से तो शादी कर नहीं सकता क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है, जो कि हम दोनों खानदानों के बीच रिश्ता तय हो ही चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सुहाना का हाथ मांगना चाहता हूँ। आप सुहाना से शादी करना चाहते हैं? जी। ऊपर वाले के करम से हमारी बेटी के लिए हमें बैठे बिठाए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया। वो लड़का किसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। हमारी सुहाना को बहुत लोगों की बद्दुआ लगी थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसे किसी की दुआ भी लगी थी, और मेरा तो मानना है कि वो उसकी अब्बी की ऊपर से दुआ लगी थी। बहुत से लोगों ने इम्तियाज मियाँ के कान भरने की कोशिश की, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उनकी कि उन्होंने
किसी की बात ना मानी। इम्तियाज बिनते शफीक, आपका निकाह सुहाना के साथ 11,000 मेहर के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। सुहाना बेगम, आपका निकाह इम्तियाज के साथ 11,000 मेहर के साथ किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल। आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप मुझे तुम बुला सकते हैं। और आप भी मुझे, मतलब तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। लगता है पड़ोस में आग लग गई, मैं भी आता हूं। आइए आराम से, आराम से, आराम से। जब मुझे पता लगा कि सुहाना पर जिन्नात का साया था तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। तभी मैंने फैसला किया कि इसे अपने बेटे के आसपास जरा भी फटक नहीं दूंगी। अम्मी, खाना बन गया है, परोस दो। चल हट यहां से, मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी, मैं अपना चूल्हा खुद जलाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि तूने कैसे मेरे बेटे को जंतर मंतर से अपने काबू में कर रखा है। खाना तो दूर, मेरे पास भी मत फटकियो, चुड़ैल कहीं की। बचपन से दुनिया के ताने तो सुने ही थे, अब तो घर में भी ताने सुनने को मिल रहे थे। चलो खैर, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं किसी से कुछ बता नहीं सकी। कितनी बार मैं कमरे में जाके, कितनी बार मैं कमरा बंद करके रोई हूं, पर मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं किसी से कुछ बता नहीं पाई। यहां तक कि इम्तियाज को भी नहीं, जो मेरे शौहर। क्या हुआ सुहाना?
मुझसे कोई गलती हुई? मतलब गलती किसी और की और मुंह फिला के बैठे हो हमसे, ये तो गलत बात है ना? अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना मार्केट चले, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा और रोमांस भी हो जाएगा। अरे ये सब तुमने क्या पहन रखा है? ये वो बाबा ने दिया था। सुहाना छोड़ो ना ये सब, और हम दोनों के बीच में कोई और क्यों आए? नहीं नहीं, इससे सच में मुझे बहुत फर्क पड़ा। यकीन नहीं है अपने इम्तियाज पे? ये बिजली को क्या हो रहा है? ओ, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? सुहाना मैं कैंडी लेके आता हूँ, ठीक है? सुहाना कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। सुहाना 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 सुहा सुहाना कहाँ हो तुम? सुहाना सुहाना आंखें खोलो, सुहाना आंखें खोलो, सुहाना सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ लेकिन सिम्टम्स मिर्गी के हैं, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं और कुछ समय बाद आप उसे घर ले जा सकते हो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कीजिए, ओके? जी। ये मिर्गी के दौरे भी अजीब थे, कभी आते थे और कभी नहीं आते, लेकिन जब आते थे तो पूरी जान निचोड़ते थे। इस दौरान तो अम्मी ने मुझसे बहुत फासला बनाए रखा, लेकिन इम्तियाज ने मेरी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो मेरे पास में होते थे तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, इसलिए उन्हें मुझे छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। सुहाना छोड़ो ना ये सब, तो बाद में कर लेना। मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले चलो, मैं अपने भी कपड़े इसमें भर देती हूँ। सुहाना कैसे रहोगी साथ में,
ऑलरेडी 3 रूममेट्स रहते हैं साथ में। सुहाना बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं दिल्ली जाती अपना फ्लैट ले लूंगा, फिर तुम मैं और अम्मी तीनों दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी मैं अपनी आखिरी छुट्टी यूं ही नहीं जाने दूंगा। इम्तियाज, गोल जल्दी गोल इम्तियाज। अरे अम्मी, बहुत बदन जल रहा है मेरा बेटा, लगता है किसी ने मिट्टी का तेल चढ़ा के आग लगा दी है। अरे जरूर इस चुड़ैल का किया था, किसी ने करा है सबके। अम्मी, मुझे लगता है आपको एलर्जी हो गई है। वो चुड़ैल है बेटा, उसके ऊपर बचपन से जिन्नात का सा है बेटा। नहीं अम्मी, छोड़िए ना ये सब, आप जानते हैं ना मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे। अपने पैंतरों के जरिए जिन ने इम्तियाज को उलझाए रखा और किसी न किसी तरह सुहाना और इम्तियाज की शादीशुदा जिंदगी को मुकम्मल ना होने दिया। अच्छा अम्मी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन बेटा तू मुझे डायन के साथ अकेला छोड़ के चला जाएगा? अम्मी, अब ये जैसी भी है आपकी बहू है, इसके साथ रहने की आदत डाल लो आप। और छोड़ो ये बेकार की बातें, इस उम्र में अपना वक्त कुरान शरीफ पढ़ने में लगाई। चलता हूं। ये ताबीज इस बच्ची के गले में हमेशा रहने देना, जिन्नात के खिलाफ काम आएगा। मैंने जब दोबारा से अपना ताबीज पहना तो मुझे तो बिल्कुल मतलब महसूस नहीं हुआ कि उसमें असर, मतलब उसमें वैसा असर है, मतलब ऐसा जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। अरे वापस कैसे आ गए? अरे अम्मी, जैसे मैं घर से निकला बॉस का फोन आया, उसने छुट्टियां बढ़ा दी तो मैं आ गया। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे बड़ा अच्छा किया बेटा जो तू आ गया, मैं तेरे लिए गोश्त मंगवा के अभी उसका तेरी मनपसंद वाला रोगन जोश बनवाऊंगी। और वैसे भी ना बहू मुझे पानी नहीं पिलाएगी, जा लाई अम्मी। अरे जान बची तो लाखों पाए। अरे बड़ा अच्छा किया जो तू घर आ गया, वरना इस चुड़ैल सुहाना का शक्ल देख देख के मैं मर जाती। अस्कर, दिन भर बक 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 करती रहती है तू। हाय
अल्लाह, क्या क्या हो गया है तुझे? कुछ भी बोलता चला जा रहा है तू मुझे। अच्छा, इस चुड़ैल ने तुझे पट्टी पढ़ाई? बोला ना, चुप कर। अम्मी कसम, इन खुले बालों में तुम बहुत अच्छे लगते हो। इन्हें हमेशा ऐसे ही खुले रखना। इन कमबख्तों ने मेरे बुजुर्गों की शर्म लिहाज खो दी है। आप ठीक तो हैं? आपको इस तरह से अम्मी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उन पे चिल्लाऊं नहीं तो क्या सर पर बैठा लूं? वो हर रोज वही बातें करती हैं जान। देखो ना जान, कितना अच्छा मौका मिला। छुट्टियां भी मिल गई अब तो। अम्मी आ जाएगी। अरे नहीं आ रहा कोई। हेलो। हाँ भाई, पहुंची हमें सही सलामत। कौन बोल रहा है? अम्मी, सुहाना। जी आपकी सुहाना, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। अच्छा, मैंने यहाँ पहुंचते ही प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है, बहुत जल्द तुम और मैं साथ होंगे इंशाल्लाह। अब इम्तियाज और सुहाना को कोई छुता नहीं कर सकता। जी 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 बॉस, वो अरोरा नर्सिंग होम का जो ऑर्डर था वो पहुंच गया। जी हाँ। यानी जिन जिन्नात के अंदर अल्लाह ने कुछ ताकत ऐसी दी है कि वो एक मिनट में कोई सा भी रूप धार सकता है, किसी जानवर का या इंसान के रूप में आ गया तो हमको पहचानना मुश्किल हो जाए कि ये इंसान ही है या जिन है। सालों बाद पुरानी आरज़ू पूरी होगी मेरी। सालों बाद? मेरा मतलब है दिनों बाद। तुमसे दूर रहता हूं ना तो मेरा एक एक दिन एक एक साल जैसा लगता है। ना खुद चैन से जिएगी ना हमें चैन से रहने देगी। इस कमीनी को आज मैं घर से निकाल के दम लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप होगी। एक बार में खोपड़ी में बात नहीं घुसती तेरी। मैंने क्या किया बेटा?
मैं तो तब से यहीं बैठी हूं। वो मरी मुई बिल्ली होगी। इंसान की तो औकात नहीं मुझे रोकने की, बिल्ली की हिम्मत तो देखो। सुहाना, इतनी जल्दी सो गई? उठो ना, देखो मैं आ गया। सुहाना, जिन ने एक तरफ इम्तियाज की शक्लें इख्तियार की और सुहाना के करीब आ गया और दूसरी तरफ दिल्ली में असली इम्तियाज को परेशान करना शुरू कर दिया, उसके दिमाग के साथ खेलने लगा। सोते जागते इस कदर डरावने मंजर दिखाने लगा। आखिर में उसने अपने सबसे अजीज दोस्त रेहान को मदद के लिए फोन किया। रेहान भाई, कुछ तो गड़बड़ है मेरे दिमाग में, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूं तो करूं क्या? रुक, मैं कुछ करता हूं यार, एक मिनट। जी हाँ, दुरुस्त है, शुक्रिया। इम्तियाज भाई, मैंने जाफरी साहब से टाइम ले लिया है, और तू फिक्र ना कर, उनको इस तरह की सब चीजों से डील करना अच्छे से आता है। आप इसे जरा ही इम्तियाज साहब, आपकी नजर उतारते वक्त मुझे एक 14 साल की लड़की झूला झूलते हुए नजर आई है, जिसके ऊपर एक बहुत ही ताकतवर जिन का साया है। सबसे सब कहीं आप इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे? कौन है ये? मेरी बीवी है ये। इस तावीज ने आपकी बीवी को आज तक बचा के रखा था, वरना वो जिन कभी भी आपका निकाह उनसे होने नहीं देता। मगर अफसोस की बात यह है कि अब उसकी ताकत वापस लौट आई होगी और उसने फिर से आपकी बीवी पर कब्जा कर लिया होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उसके गले से तावीज निकाला था। अब इस सूरत में किया क्या जाए? हमें फौरन इनके घर चलना चाहिए और इनकी बीवी को उस जिन की गिरफ्त से बचाना चाहिए।
ड्राइवर साहब थोड़ा थोड़ा तेज चलाइए ना। अरे देखिए थोड़ा आराम से ड्राइवर साहब थोड़ा। अरे ड्राइवर आराम से। अरे इधर आप ड्राइवर साहब थोड़ा। आप ठीक है? पैर में काफी चोट लगी है। अरे हिला नहीं जा रहा। रेहान भाई आप यहीं रुकिए, जाफरी साहब का ख्याल रखिएगा, मैं सुहाने के पास जाता हूँ। देखिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम सब साथ जाएं वहां पर, अगर आप अकेले कोई कदम उठाएंगे तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नहीं जाफरी साहब, आप चाहे कयामत भी आ जाए मैं अपनी सुहाना को बचा के रहूंगा। क्या हुआ मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा, हमारे होते हमारे जान को इतनी बेचैनी? दो जान एक बार, कुछ नहीं जान, किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज है। बचपन से लेकर आज तक इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े थे ना, क्योंकि तुम्हें मेरी आंखें पसंद है, मेरे बाल पसंद है, मैं पसंद हूँ। सब कुछ खत्म कर दूंगी आज मैं, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी, बट ढूंढते रहना मुझे तुम इस खाक में।